रामनगर से इस वक्त एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक 6 वर्षीय छोटा बच्चा और एक बच्ची को सांप ने देर रात काट दिया, जिसमें दोनों की मौत हो चुकी है। जिसमें जो बच्ची थी छोटी, उसकी तो कल मौत हो चुकी थी, और सांप के काटने से आज छोटे बच्चे की भी मौत हो चुकी है, जो 6 वर्षीय बालक था। और अभी हम घटनास्थल पर मौजूद हैं, जहां पर जो प्लाई का, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं, प्लाई का बेड बनाकर ये मजदूर यहां पर सो रहे थे। यहाँ पर हुंडई कंपनी का शोरूम बन रहा है और उसके लिए मजदूर एमपी से यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर ये शोरूम बन रहा था और ये मजदूर यहाँ पर कार्य कर रहे थे, और कार्य करने के बाद यहाँ पर ये मजदूर रहते हैं। और यहाँ पर जब रात सो रहे थे तो उनकी बच्ची को और लड़के को, 6 वर्षीय बालक को सांप ने काट दिया, जिसमें दोनों की मौत हो चुकी है। और हमारे साथ अभी उनके ही परिवार के लोग मौजूद हैं, जो मजदूर उनके साथ ही काम करते थे। क्या नाम है आपका? सुंदर सर। सर कैसे ही घटना हुई थोड़ा बताएं। सर यहाँ पे 5 लोग सोए हुए थे, नीचे प्लाई बिछी हुई थी, और पहले जब हमें सांप आया अंदर, सांप आने के बाद पहले लड़की को काटा, फिर लड़के को सांप ने काटा, और जैसे मतलब रोआ पीटा पड़ा, तो हम आए अंदर, अंदर आके देखा तो सांप मौजूद मिला हमें सर। और हम जैसे मतलब ठेकेदार को फ़ोन किया, ठेकेदार आया, ठेकेदार ने फिर रामनगर ले गया सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल से फिर दिया बाहर के लिए, फिर वहाँ पर हम लेके गए, तो कल पहले लड़की खत्म हुई, फिर लड़का खत्म हुआ। अच्छा, कितने साल के थे दोनों बच्चे? सर लड़का 6 साल का था, लड़की 3.5 साल की। अच्छा, ये मजदूरी करते थे माँ बाप? हाँ सर, सब मजदूरी करते थे हम लोग उनके साथ। अच्छा, कितने बच्चे थे इनके? इनके सर 3 बच्चे थे। अच्छा, 3 बच्चे हैं इनके। अब कितने बच्चे, अब क्या लड़की लड़का क्या रहेगा? एक लड़का रहेगा सर। अच्छा, वो बड़ा है छोटा है? सर सबसे बड़ा लड़का है, 9 साल का। अच्छा, 9 साल का बच्चा है। तो अभी इनका जो बच्चा है उसका पोस्टमार्टम हो रहा है वहाँ? हाँ सर, पोस्टमार्टम हो रहा है। यहाँ रात में सो रहे थे उनके मम्मी पापा, तीनों बेटे लड़की, फिर सांप आया तो उनको, लड़की को काटा, फिर लड़के को, लड़की से लड़की के सिर पास बैठ गया, तो लड़की चिल्लाई तो हम लोग अनबाह से अंदर आए, जब देखा तो सांप बैठा हुआ था। कहाँ के हो आप लोग? एमपी। अच्छा, ये कौन थे आपके रिश्तेदार? हमारे परिजन थे, घर के बगल में, हमारे एक गांव के, हम लोग एमपी के। हाँ है। कौन सा एमपी में, कौन सा क्षेत्र? तो हमारे साथ मौजूद है सर को विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप जी, इनसे हम जानते हैं कि सर लगातार सांपों की घटना क्षेत्र में बढ़ रही है, तो एहतियात के तौर पर इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने सांप से काटे हुए लोगों को भी बचाया है घरेलू उपचार के माध्यम से, क्या करना चाहिए सर इस समय, क्योंकि सांपों की घटना लगातार बढ़ रही है, सांप निकल रहे हैं और लगातार सांप के काटे मामले भी आपके भी प्रकाश में आ रहे हैं, आप उपचार भी करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उधर तो गर्मी का कारण है, और दूसरी बात यह बरसात भी शुरू होने लगी है, तो आप देख रहे हैं कि सांप किसी भी प्रकार से किसी भी घरों में प्रवेश कर जाते हैं, और खासतौर से जो गाय करता है। इसी प्रकार की ये घटना कल हुई है, जो बताया है रात्रि के समय, क्योंकि सोते हुए काटते हैं, इसको चांदनी रात में ही निकलना बहुत माना जाता है, रात की रानी, रात की राजा इसे कहा जाता है, और करे बहुत जहरीले सांप है। और हम ये कहते हैं इस बरसात के समय कोई भी व्यक्ति अपने घर में कूड़ा करकट ना रखे, दूसरी बात फिनाइल का प्रयोग करे, ताकि कोई भी जहरीला कीड़ा घर के अंदर प्रवेश ना करे, अपनी घर की सुरक्षा रखे और कूड़े करकट से बच के रहे, क्योंकि ये लोग गरीब लोग, मजदूर लोग हैं बेचारे, फिर भी सफाई करते हैं, लेकिन उसको काम भी ये घटनाएं आए दिन होती चली जा रही है, इससे बचने के लिए अपने घर में साफ सफाई रखा, घर के नजदीक कोई कूड़ा ना हो। अगर सांप काटे तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सांप काटे तो सबसे पहली बात तो ये कि होपलेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है, इसके लिए जहर बहुत जल्दी चढ़ता है, तो हम कहते हैं जल्दी ही शीघ्र ही उसके साथ में घबराहट ना होनी चाहिए, और नजदीक ही हॉस्पिटल उसको तत्काल लेके जाना चाहिए, और जबकि डॉक्टर लोग कहते हैं बंद नहीं मारने चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं काटने की जगह कभी कोई निशान मत मारो, बहुत से लोग ब्लेड का निशान मार देते हैं, उस काट के निशान को मिटा देते हैं, जिससे हम पहचानते हैं, तो वहाँ एकदम ब्लेड ना मारे, सीधे अच्छे जो जानकार डॉक्टर लोग होते हैं सीधे वहाँ लेके जाइए, और हल्का सा ऊपर सुतली से ना करके इसे कपड़े से बंधवा दें, ताकि दोनों का जीवन बचाए। मगर आप लोग भी उपचार करते हैं, और आज तक लगभग 50 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा लोगों को आपने भी बचाया है। देखिए, बचाने वाले तो भगवान है, हमारा तो एक प्रयास रहता है, लेकिन हम लोग भी यही करते हैं कि जब कोई आता है सबसे पहले हम साइकोलॉजी तरीके से उसका व्यवहार ऐसा बदल देते हैं, ऐसे मिला करके कि ये सांप जहरीला नहीं है, क्योंकि जब वो हार्ट पेशेंट हो जाता है, सोचता है, तो उसकी मौत जल्दी होती है, उनका संचालन बढ़ता है, तो जहर भी जल्दी चढ़ता है, इसलिए हम बातों बातों में उसका ध्यान बताते हैं कि ये जहरीला नहीं है और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर बंद बांधने के बाद जो भी हमारी देसी दवाई हो, तो आता ईश्वर की कृपा रही कि अधिक मात्रा में हम लोगों ने प्रयास करा, और सभी की जान बची, कल रात भी एक करेज का काटे हुए व्यक्ति आए, उनका भी हम लोग उपचार कर रहे हैं, तो यह हमें पूरा विश्वास है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, तो तत्काल बंद बांध करके सीधा अस्पताल लेके जाए। बंद मतलब कपड़े का बंद बांध दो, ताकि खून का संचालन रुक सके, और इसके साथ घबराने वाला आदमी कोई नहीं रुका, अगर वो घबरा गया
तो उसको उल्टी होंगी, उल्टी होने के बाद उससे चक्कर आएंगे, साइकोलॉजिकल तरीके से उसकी हालत भी बिगड़ जाती है और हार्ट अटैक भी होता है। तो अभी महाराष्ट्र के सर्प विशेषज्ञ उन्होंने एहतियात के तौर पर हमें बताया कि किस तरीके से सांप के काटने पर घबराना नहीं है। और यहाँ पर दुखद घटना हुई, दो मासूम बच्चों की मौत हुई है और जिनको अब यहाँ रामनगर में उनके परिवार में लाया जा रहा है। भारत के लिए रामनगर से कैलाश।